बहुत पसंद आई अक्षय कुमार की फिल्म, मैं खास करके देखने आया था कि किस तरह से ये फिल्म होगी। मैसेज बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छा था और अक्षय कुमार ने अदाकारी भी अच्छी की है, काफी अच्छी तरह से आर बाल्की ने इसको पेश किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिल्म काफी अच्छी थी, आई थिंक अक्षय अक्षय एक्टेड वेरी वेल हिंदी में, अक्षय ने काफी अच्छा काम किया है और आई थिंक सोनम ऑल्सो अच्छा रोल था, काफी राधिका ने भी काफी अच्छा काम किया है। फिल्म की जो खास बातें, जो एजुकेशन, जो जो वुमेन्स का जो कॉलम था उसको काफी अच्छी तरह से उन्होंने दर्शाया है। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन। मैम, हाउ इज द मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात यह है इस फिल्म का इंटेंशन, इस फिल्म का जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा है। The movie, I've loved the second half. I think second half is much much more better than the first one. First half मुझे थोड़ा preachy लग रहा था, वो जबरदस्ती का message देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात हो पा रही है। Second half उतना ही मतलब बहुत उभर के आया है, बहुत ही बेहतरीन है। Thinking I'm mad, but mad only becoming famous. Oh, tired, 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 tired. Enter मारे slow motion में हड्डी तोड़ना। Big picture बहुत अच्छी है, पिक्चर बहुत अलग है क्योंकि आप पहले कभी ये सब्जेक्ट आज तक बॉलीवुड में किसने बनाए नहीं, तो द मूवी इज़ अ मस्ट वॉच बिकॉज इट इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। फिल्म बहुत ही अच्छी थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मैंने पिक्चर देखी है उससे तो मुझे ज्यादा बेहतर ये लगी है। मुझे अच्छी लगी फिल्म, जो कॉन्सेप्ट था वो जानना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि एक बार फिल्म देखना बनता है। Man, strong man, not making country strong. Aur building se high to niche se dialogue na mare, high speed mein naache gaaye. Film bahut achhi hai. Sabse pehle main darshakon ko ek baat batana chahunga, ye film ek Padman ki kahani nahi hai. Isme women empowerment ki baat ki gayi hai. Hamare desh ki bahut badi jansankhya aaj bhi gaon mein rehti hai. Aapko ye baat samajhni chahiye ki har koi padha likha hai aisa nahi hai, lekin jab unke paas job nahi hai to wo job kis tarah se create kar sakti hai? पैड एक बहाना है, आप पैड की जगह अचार, चटनी, पापड़ कुछ भी लीजिए, उसे किस तरह से एक प्रोडक्ट बना करके आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ये फिल्म बताती है। मुझे लगता है ये फिल्म हर आदमी को अपने माँ, बहन, बेटी, पत्नी सबके साथ जाकर के देखना चाहिए। वुमन स्ट्रॉन्ग, मदर स्ट्रॉन्ग, सिस्टर स्ट्रॉन्ग, देन कंट्री स्ट्रॉन्ग। फिल्म का म्यूजिक आपको कैसा लगा? म्यूजिक इज गुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग पैडमैन इज नाइस, इसी गाने से फिल्म एंड। बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, खास करके आज से तेरी गलियां मेरी हो गई और पैडमैन रीका सिंह ने जो गाना गाया है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक बहुत अच्छा है, टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा है एज एवर, एंड आर बाल्की जी के हर पिक्चर का म्यूजिक बहुत अच्छा है। म्यूजिक ओके है, दो सॉन्ग ज्यादा अच्छे हैं, बाकी ओके ओके है, मतलब आप ओके बोल सकते हैं। काम की बात करें तो अक्षय, सोनम और राधिका सबका काम कैसा लगा आपको? देखो, अक्षय कुमार तो एवरग्रीन एक्टर है, उनके सिवा आज के तारीख में बॉलीवुड में कोई ऐसा है नहीं जो डिफरेंट कंटेंट ला रहे, अलग अलग पिक्चरें ला रहे, अलग अलग कंटेंट ला रहे। सोनम कपूर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और राधिका आप्टे का रोल बहुत अच्छा है, इससे बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार का काम सबसे बेहतर मुझे लगा है, जैसे कि उनकी इमेज है, उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद से जो एक लय पकड़ी है वो इसमें मुझे नजर आई है, खास करके एक उनकी जो स्पीच है यूनाइटेड नेशन में वो काफी लोगों के दिलों को छू जाती है। राधिका आप्टे ठीक है, और जब मैं एक्टर्स की काम की बात करूँ तो राधिका आप्टे से काफी एक्सपेक्टेशन था, कंसीडर वो बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन उसका काम मुझे बहुत एवरेज लगा। रैदर सोनम कपूर काफी आउटस्टैंडिंग लगी मूवी में, जैसे सोनम एंट्री होती है सेकेंड हाफ में, आई थिंक मूवी पूरा अलग ही ट्विस्ट और टर्न ले चुकी है। पैसा वसूल मूवी है, हाँ, अक्षय और सोनम बेस्ट है, सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, फर्स्ट हाफ आई मीन आपको क्रिएट किया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो ट्विस्ट आता है वो ज्यादा अच्छा है। ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से फुल्ली पैसा वसूल फिल्म है, न सिर्फ ये आपको एंटरटेन करेगी, ये आपको एजुकेट भी करेगी। गांव-गांव तक या शहरों में भी जहाँ ये चीज होती है वो पहुँचे, ये मूवी एटलीस्ट वन टाइम वॉच टू फॉर श्योर है। परफेक्ट, पैसा वसूल पूरे फैमिली के साथ आपको देखना चाहिए और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इसे जरूर देखें और सब तक मैसेज पहुंचाएं कि आप इसे देखें और इसे मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। फाइनली आज अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन बॉक्स ऑफिस पर 2,750 स्क्रीन काउंट के साथ इंडिया में रिलीज हुआ और ओवरसीज में ये मूवी 600 स्क्रीन काउंट के साथ रिलीज हुआ। कुल इस मूवी को स्क्रीन काउंट पूरी वर्ल्ड वाइड में 3,350 स्क्रीन मिले हैं।
इस मूवी को सोशल मैसेज की बेस पर बनाया गया है, इसीलिए इस मूवी को ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक काफी अच्छी रेटिंग मिला है। मूवी को देखने के लिए आज मॉर्निंग शोज में ही ऑडियंस ऑक्युपेंसी 30% के आसपास था और आफ्टरनून और इवनिंग शोज में ऑडियंस ऑक्युपेंसी 50% तक जा पहुंचा। अगर हम आज की ओवरऑल ऑक्युपेंसी के बारे में बात करें तो आज ऑडियंस ऑक्युपेंसी 55% तक गया है, जो अक्षय कुमार की फिल्मों के हिसाब से काफी बढ़िया है। BOI की तरफ से तो आप पैडमैन की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अर्ली अपडेट भी आ चुका है, जो मूवी ने 13 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जिसका ग्रोस कलेक्शन 18 करोड़ बताया गया है। अगर हम मूवी की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बात करें तो पहले दिन मूवी ने 5 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन किया है। इस हिसाब से अगर हम इंडिया की ग्रोस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ ले तो पैडमैन ने पहले दिन 23 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है अक्षय कुमार की पैडमैन इंडिया में नेट कलेक्शन के हिसाब से क्या 100 करोड़ को पार कर पाएंगे? आप कराएं हमें जरूर कमेंट करके बताएं।